अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है, ये अभी अभी जो आज या कल में जो खबर आई है कि नगर पालिका जो है, नगर परिषद भंडारा, जो कि हमारे विदर्भा में है, नागपुर के पास ये एक जिला आता है भंडारा, यहाँ पर नगर परिषद भंडारा में वैकेंसीज आई है टीचर की। उसमें मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश, हिंदी मीडियम और ये तमाम जो मीडियम की वैकेंसीज आई है। लेकिन इसको लेकर जो है, जो यूट्यूबर्स है, इसका जो अलग अलग जो है जगह पर उसका खुलासा कर रहे हैं, शायद वो अभी ही आई है। तो उसमें जो है, जो हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ये आपने देखी होंगी, मैंने तो फिलहाल अभी देखा हूँ, इसलिए बनाया हूँ। तो उर्दू मीडियम वाले जो भी होंगे तो उनको मैं ये जो बताना चाहूंगा, ये वैकेंसीज नगर परिषद भंडारा में आई है, लेकिन इसके अंदर जो है मानधन तत्व है, यानी कि ये टेम्पोररी वैकेंसी है और उसमें उर्दू मीडियम की बीएड के भी लिए है और डीएड के भी लिए है। अब वो कितनी वैकेंसीज है वो आपको देखनी होगी, फर्स्ट टू फिफ्थ भी है, सिक्स टू एट और नाइन टेंथ भी है, वो मानधन तत्व पर होती है और वो जो है टेम्पोररी होती है, यानी कि कुछ महीनों के लिए होती है। मिसाल के तौर पर आज वो वैकेंसी एड आई है और अगले कुछ दिनों में, 7 दिनों में वहां पर वो जो है उनकी जो भी प्रोसेस है वो हमको करना है और जो भी पत्र व्यवहार होगा वो पत्र व्यवहार के बाद में 15, आज समझो 13 सितंबर है, 20 सितंबर तक ये जाएगा हमारा और फिर उसके बाद में 25 सितंबर तक ये यादी वगैरह लगेंगी, निवड़ी यादी। अब वो मिसाल के तौर पर उन्होंने 1 अक्टूबर से अगर हमको ले लिया तो वो अगले मार्च तक हमको ले सकते हैं, मे बी पॉसिबल है, या फिर 3 महीने या 5 महीने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जहन में रखो, ये यूट्यूबर्स का भी काम है कि उसको क्लियर कराना, वो सिर्फ मानदंड तत्व पर है, यानी कि वो टेम्पोररी बेस्ड है। आपको प्राइमरी के लिए जैसा जनरली होता है, पुणे महानगर पालिका या बंबई महानगर पालिका जो है वो प्राइमरी के लिए है, जो नियर अबाउट 10 से 12 हजार, हायर के लिए यानी कि 6 से 12 के लिए, 6 से 10 के लिए 15 से 17 हजार जो भी देती होंगी, एक मिसाल दिया मैंने, 9-10 के लिए 17.5 से 18 हजार देते हैं। तो जो भी जरूरतमंद है हमारे मीडियम के, उर्दू मीडियम, टीईटी की एक जो बात है, एक खास मुद्दा, उसमें टीईटी मांगता है क्या? देखो, सबसे पहली बात तो कैसा है कि चाहे वो टेम्पररी वैकेंसी हो, चाहे वो परमानेंट वैकेंसीज हो, अगर वो प्राथमिक में है 1 से 5, 6 से 8 में, और वो चाहे फिर गवर्नमेंट की भर्ती हो या प्राइवेट की भर्ती हो, दोनों में, टेम्पररी में हो या परमानेंट में हो, तो वहां पर लगना ही लगना है टीईटी। नगर पालिका भंडारा जो है उसने तो वहां पर जो भी अर्हता प्राप्त है उनको अप्लाई करने के लिए कहा है, लेकिन टीईटी का उल्लेख वहां दिख नहीं रहा, लेकिन मे बी पॉसिबल है कि वहां पर वो ऑन द स्पॉट टीईटी सीटीटी मांगेंगे। तो टीईटी या सीटीटी पास आउट जो भी है, जो विदर्भा रीजन से बिलोंग करते हैं, भंडारा के नगर पालिका के लिए जरूर ट्राई कीजिए प्राइमरी के लिए। टीईटी तो पास आउट बहुत है, सीटीटी भी बहुत है हमारे उर्दू मीडियम में, जाता कौन है, ज्यादा आएंगे या फिर हमारा कंपटीशन होगा? टीईटी तो अभी बहुत ज्यादा पास आउट है, ये सोचने में रह जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाइयों। तो जो भी है नियर अबाउट वहां पर जो 100-150-200 किलोमीटर के आसपास में होगा, 100 किलोमीटर के खासकर होगा, तो वो अप्लाई कीजिए जरूर, और इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। परमानेंट वैकेंसी ऐसी नहीं आती है, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट की हो, तो वहां पर बाकायदा एक जाहिरात आती है, प्रसिद्धि पत्रक आता है, फिर जाहिरात आती है, फिर फॉर्म लेते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं टेट की, और उसके बाद में ये सब कुछ होता है। तो भंडारा नगर पालिका में जो है वैकेंसीज आई हुई है, ये ऑल मीडियम की, उसमें उर्दू मीडियम भी है प्राइमरी से लेके तो हाई तक, तो जरूर अप्लाई करो, क्योंकि वहां अच्छा खासा पेमेंट अगर मिलता होगा तो नियर अबाउट 12 से 15 हजार, 17-18 हजार जो हाई स्कूल के लिए, जूनियर के लिए 18-20 हजार जितना भी मिलता होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने को एक तो तजुर्बा मिल जाता है और हमारा जो है इनकम भी बन जाता है, 2-3 महीने ही क्यों ना हो। और इसके अलावा पढ़ाई जारी रखिए, टीईटी का जो है मौका है, उसके बाद में मे बी पॉसिबल है कि भर्ती हो, जब होंगी तब। तो ये जो है आज का जो मुद्दा था इस वीडियो का, यही था कि नगर पालिका भंडारा के बारे में जो कंफ्यूजन थे, टीईटी जो है मांगते हैं, यहां पर जो भी होगा वो ऑन द स्पॉट मांगेंगे जो भी होगा, लेकिन मांगते हैं टीईटी सीटीटी पास आउट वाले, अप्लाई करो। जो ज्यादा दूर है वो ना भी करे तो बेहतर है, यानी 100-150 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं होता, 200 भी किलोमीटर रहा तो तजुर्बे के लिए तो इंसान कहीं पर भी चला जाता है और इनकम भी अच्छी खासी होती है। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, वो उसी कंफ्यूजन के बारे में था, अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।